भाई लोग 101 डुबकी मारेंगे यार लगता है एकदम। विश्व का सबसे बड़ा मेला इलाहाबाद में संपन्न होता है। प्रयाग नगरी बस संगम के तीरे। घर से निकल चुके हैं मौनी अमावस्या के स्नान के लिए। आज दिन भर सुबह से काम ज्यादा था तो अभी जा रहे हैं शाम को। तो आज शाम को स्नान होगा और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आज फिर से माघ मेला। यहाँ भी बस स्टॉप देखिए बन चुका है, गाड़ियाँ यहाँ से मिल रही हैं क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान था तो लगभग कह सकते हैं यहाँ पर लगभग 1 करोड़ लोग तो स्नान करेंगे ही, बाकी उसके उससे ज़्यादा ही रहते हैं। एक गंगा द्वार उत्तर प्रदेश संगम नगरी में आप सभी का स्वागत है। बोर्ड यही से लग जाता है कि संगम जाने के मार्ग यही पे है। फाफा मोह को पुल पर पहुँच चुके हैं। आवाज जाम देख सकते हैं आप, गाड़ियों की भीड़ यहीं से दिख रही है। यहाँ से संगम अभी 10 किलोमीटर दूर है, काफ़ी भीड़ है। ये 6 बज रहे हैं, देखिए आप, हम लोग फाफा मोह पुल पे पहुँच चुके हैं। अब देखिए हल्की हल्की ठंडी भी है, धूप चली गई है। ये तिल्लेगंज चौराहा है, आगे दिख रहा है ये मजार चौराहा। यहाँ काफ़ी सारे पर्दे ब्लैंकेट आपको अच्छे रेट पे सस्ते रेट पे मिल जाएगा। यहाँ रोड के दोनों साइड आप देख रहे हैं ब्लैंकेट और पर्दा दोनों बहुत अच्छे अच्छे कचहरी चली जाती है। ये बैंक रोड है, देखिए मिलती हैं सारे। यहाँ रोड के साइड कैलेंडर, किताबें, बैग, बहुत सारी दुकान लगी हैं आनंद मोड़ में। हरबाट पार्क, कितनी बड़ी प्रतिमा लगी हुई, मूर्ति लगी हुई है भरद्वाज आश्रम। बढ़िया, देखिए यहाँ निःशुल्क चाय वितरण हो रहा है। अमन भाई चाय पी रहे हैं, ये देखिए मैं भी चाय पी रहा हूँ। रवि जा रहा है, अंकुर भी जा रहे हैं। कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बाइक के लिए खुला हुआ है, कार के लिए नहीं खुला हुआ है। कार मेले में आज नहीं जाने पा रही है, बाइक जा पा रही मेले में। इससे बड़ा बड़ा आराम है कि बाइक वाले जा पा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा मेला इलाहाबाद में सम्पन्न होता है, जिसे हम आप सब कुंभ अर्ध कुंभ, 12वें साल पर कुंभ, 6ठे साल अर्ध कुंभ, और हर साल 1.5 महीने का मेला होता है, माघ मेला के नाम से जाना जाता है। और उसमें भी अमावस्या का स्नान पर्व एक ऐसा स्नान पर्व होता है जिस दिन सर्वाधिक भीड़ होती है, चाहे वो कुंभ में हो। कुंभ में लगभग देश तो पूरा इकट्ठा होता ही होता है, विदेशों से भी लोग आते हैं। गांव का आदमी इस मेले में जाने की कैसे तैयारी करता है, अगर आप गए होंगे कभी उस मेले में या आप अपने आसपास का ही मेला देखेंगे तो मेले की संस्कृति लगभग एक सी होती है। जब तक सच झोला न हो, कमरी न हो, बोरा न हो, गोद में लड़का हाथ में एक के हाथ में उंगली पकड़ करके चल रहा है, तमाम तरह तरह की भीड़। गांव के आदमी की एक ही गठरी में सब कुछ होता है, उसी में चद्दर भी है, उसी में अचार भी है, उसी में राशन भी है, उसी में माचिस बीड़ी भी रखी हुई है। गठरी तो गठरी, वो अपनी पूरी गृहस्थी लेकर के चलता है। इस भीड़ को आप देखें गांव का आदमी किस तरह से तैयारी कर रहा है, और इसका नाम मैंने रखा है अमावस्या का मेला, यानी अमावस्या का मेला। ई भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, ई भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में कर्म में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमावस्या नहाए चलल गांव देखा। एहू हाथे झोरा वहू हाथे झोरा, या कान्ही पर बोरी कपारे पर बोरा। एहू हाथे झोरा वहू हाथे झोरा, या कान्ही पर बोरी कपारे पर बोरा। या कमरी में केहू, रजाई में केहू, या कथरी में केहू, दुलाई में केहू। अयाजी रंगावत हई गोड़ देखा, अयाजी रंगावत हई गोड़ देखा, हंसत हूं बब्बा तनी जोड़ देखा। कि आजी रंगावत हई गोड़ देखा, हंसत हूं बब्बा तनी जोड़ देखा। घुघुटवे से पूछे पतोहिया की अय्या, घुघुटवे से पूछे पतोहिया की अय्या, गठरिया में अबका रखा ही बतैया। एहर हुए लुग्गा ओहर हुए पूड़ी, रामायण के लग्गे हो मड़ुआ का ढूंढी। अचाऊर अचूरा किनारे के ओरी, अनैका चपलवा या चारे के ओरी। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, यह हुए भैया अमौसा का मेला। ये जब गठरी बंध जाती है तब ये चलो भाई लोग 101 डुबकी मारेंगे यार लगता है एकदम। जल्दी जल्दी रवि भाई जल्दी, पीछे जा रहे हो। नहा के बाहर आ चुके हैं, ठंडी बहुत ज्यादा है। तो अमन भाई नहाओगे? 101 मार के आए हम ज्यादा वाले। मैं नहाया ही नहीं। हम और रवि भाई
गंगा मैया के आशीर्वाद से संगम में लोज पे गंगा स्नान कर चुके हैं और बॉडी का टेम्परेचर एकदम एक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी विशेष करके, और बहुत मजा आया। देखिए अभी सब लोग नहा रहे हैं, संगम स्नान हो चुका है हम लोग का, अब हम लोग चलेंगे घर की तरफ। आज बहुत अच्छा लगा, मौनी मासा का एक पर्व था और अभी भी लोग गंगा स्नान कर रहे हैं संगम में आके, और काफी भीड़ भी है अभी संगम में और लोग नहा रहे हैं। लोग वापस जा रहे हैं और हम लोग जाएंगे बंधवा पे, बजरंगबली के दर्शन करेंगे, उसके बाद आपको नौलखा मंदिर के ऊपर से पूरा मेला का नाइट व्यू दिखाएंगे। ये देखो भाई अपना बेच रहा है, भाई बच्चे भाई डर के आगे संगम का नया आइटम है भाई, ये बहुत बढ़िया है। हम लोग पहुंच चुके हैं किले के पास, सामने आप देख रहे हैं हनुमान मंदिर, श्री बड़े हनुमान जी मंदिर की कैंटीन भी खुलवा दिए हैं आजकल, और मंदिर बंद हो चुकी है, भीड़ बिल्कुल नहीं है, कितना अच्छा सजा भी है। मंदिर बंद होने वाली है, देखिए मंदिर की सफाई चल रही है, कितना अच्छा है। आप देख रहे हैं मेला का दृश्य, कितना अच्छा झूला सजे हैं, लाइटें हैं कितने, और सबसे अच्छी बात है झूले में जो लाइट लगी है उससे तो और सुंदरता बढ़ जाती है। प्रयाग नगरी बस संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बस संगम के तीरे, जहां गंगा मैया जहां जमुना मैया, जहां गंगा यमुना और सरस्वती मैया, त्रिवेणी के द्वार बहे धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बस संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। आज के ब्लॉग में हम लोग विदा लेते हैं, फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग में।